উরি বাবা সর্বনাশ আমি কই সর্বনাশ ये सब सब अपशकुन हो गया। मैं तो बस आरती होता। नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं। देखिए ना मेरी बात सुनिए, कोई स्वर्गो वर्बो नाश नहीं हुआ है। मैं उठा देता हूँ इसको, अभी उठा देता हूँ। ऐ शॉप करने के लिए घर पे नौकर लोग हैं। लीव इट। ओके आई लीव इट। आप कह रहे हो छोड़ दे तो देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ या अपशगुन वगैरह सर्वनाश नहीं हुआ है। अब देखिए ना, आपकी बेटी आनिया घर आई है, ये तो अच्छा शगुन है, नहीं? ठीक कह रहे हो बेटा, आनिया घर वापस आ गई, इससे बड़ा शगुन और क्या हो सकता है। राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है तो वो मैं दूर कर देता हूँ। देखिए मैं एक क्या सोता रहता है तुम? पूजा का थाल गिरा है यहाँ पे, आवाज नहीं आता तुमको? देखता क्या है, ताड़ी साफ करो इसको। What is this, आन्या? ये की तरीका हो लो? तुम्हारा माँ इतना परेशान था, तबीयत खराब हो गया था एकदम। यस्टरडे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हमको, ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज्ड। और तुम तो समझता ही नहीं है। सॉरी माँ। रहने दो जिशु, बच्चा अभी अभी घर आया है, बाद में बात कर लेंगे ये सब। लेकिन बोदी, ये तो एकदम सत्य कथा बोलता है। आनिया तुम तो जानती हो ना, नील के समय कितना बड़ा हंगामा हुआ था, अब तुम भी इतना बड़ा हंगामा करने जा रही थी। हे भगवान, अगर कुछ भी 19-20 हो जाता ना तो बोदी तो मर ही जाती। देखिए मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा था। देखिए एक्चुअली यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, बस ये है कि मेरी और आनिया की जो आनिया माँ के पास पास में जाके सब बता देना, जल्दी जाओ। जाओ अभी अभी घर में आई, अभी बाहर निकालोगे क्या? मेरा बच्चा, इसका बड़ा भाई अभी आता ही होगा, नील। ओके इसने बताया होगा तुम्हें, तुम आराम करो, ससुराल को अपना ही घर समझो। मुझे भी ये समझ नहीं आता कि लोग आखिर तुमसे इतना डरते क्यों। आई मीन लुक एट यू, अपना ख्याल तो रख नहीं पाती हो, पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या ही हाल करोगे। याना सीरियसली आई नो, तभी ये ग्रंपी लुक्स, ये ब्रूडिंग सरफेस, हमेशा सोचते रहना कि क्या नेक्स्ट वन लाइनर मारूं, कहीं यही रास्ता तो नहीं है तुम्हारा लड़कियों को इंप्रेस करने का? बट टू बैड इन माय केस, मुझे तो आज तक इंप्रेस कर नहीं पाए। अच्छा रहने दो, इतना सोचो मत, तुमसे नहीं हो पाएगा। यू नो व्हाट आई एम वरीड अबाउट, अगर मैं चली गई तो तुम फिर से बिजनेस संभालोगे, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। तुम तो एक दिन में किसी भी कंपनी का दिवाला निकाल दो यार, एंड यू आर वेरी केपेबल ऑफ दैट। और नया नया काम है, इट्स मुंबई बिजनेस। नो नो नो, आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्क, आई एम सॉरी। डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे चेक्स मिलते रहेंगे। अब उठो और जाकर रेस्ट करो। ओके तुम्हारा ऑफिस है, जैसा तुम चाहो। हाँ मजदूरों को घर जाना चाहिए। ये क्या बात हुई यार आनिया, ना तो तुमने खुद कुछ कहा ना मुझे कुछ बोले थे, व्हाट द हेल। चाहिए जाके सब कुछ सच बता दीजिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी। क्या यही चाहते हैं ना आप? तो फिर जब मैं सुसाइड करने जा रही थी, मुझे क्यों बचाए? ताकि मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल के इस प्रॉब्लम में डाल दें। अब कुछ नहीं जानते, मेरी माँ की हालत देखी, क्या कहूँ अब उससे जाके, क्या हुआ है मेरे साथ? क्या बोलूँ मैं, बात बात में मरने की बात क्या करते हो? आर यू ब्लडी आउट ऑफ योर माइंड? मुंह पे पिंपल हो जाए, चाहे बुखार हो जाए, चाहे जुकाम हो जाए, तुम क्या खुद मरोगी? ये कोई बात हुई या आजकल के यूथ को हो क्या गया यार? बात बात में सोडा हलवा है क्या ये सुसाइड? आप ये सब कुछ अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरे दादा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आपको पता है जब मेरे दादा की शादी हो रही थी ना, तो शादी के वक्त जिस लड़के से वो इतना प्यार करते थे और जो लड़की उनसे प्यार करने के दावे करती थी, उन्हें मंडप पे छोड़ के भाग गई। एक हफ्ते तक कॉलम्स हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज थी, पर मेरी माँ को इस वजह से हार्ट अटैक भी हुआ।
आप चाहते हैं मैं जाके अपनी माँ को ये सब कुछ बताऊं कि उनकी बेटी के साथ भी यही सब कुछ हुआ है और उन्हें फिर से मरने के लिए छोड़ दो। मैं नहीं कर सकती, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। रश्मिता कॉफी ठंडी हो रही है, पियोगी नहीं? क्या बात है? चाचू बता नहीं, शहर में वापस आके ना बहुत बहुत घबराहट हो रही है, अजीब सी बेचैनी हो रही है चाचू, नर्वसनेस हो रही है, कहीं वो सब कुछ एक बार वापस से वही दोबारा शुरू हो गया ना, वही सिड, वही परिवार, यही बात है ना बेटा। 2 साल बीत चुके हैं और अब कहीं अगर वो तेरे सामने आ जाए तो सारे मन मुटाव खत्म करके तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। बेटा कहाँ है तू? मैं लॉबी में हूँ, हाँ जल्दी आ। ओके चाचू, इन अ मिनट। केसर जी? हाँ? सिमरन जी आप? हाँ वो किसी काम से आया था मैं। हाय, आई एम सिड, सिड खुराना। I'm नील, आन्या का बड़ा भाई। Nice to meet you, नील। I'm sorry हम ये ऐसे मिल रहे हैं। We had to start on a wrong foot. Apologies for that. Yes, you're right. Wrong foot पे। But I'm surprised to see you, Mr. Khurana. मेरी बहन बहुत छोटी है, फिर 20 साल की। और मैं 28 साल का हूँ, 28। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम ये उम्र उम्र क्यों खेल रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि उम्र के साथ आदमी की समझदारी बढ़ती है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस। वैसे आप भी मुझे काफी समझदार लगते हैं, फिर ये भाग के शादी क्यों? क्यों ये सर? Why this film is done? दादा, जाने दीजिए ना, जो हो गया वो तो हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ना आन्या, ये सब डिस्कस करके क्या फायदा? वैसे यू आर राइट, अब तुम दोनों जब भागकर शादी कर ही चुके हो तो इन सब बातों का क्या फायदा? सोच रहा हूँ रागिनी, कहाँ से बताना शुरू करूँ? कोई एक चीज अगर उस लड़के में ठीक हो तो वहीं से बताना शुरू करूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है उस लड़के में। शहर का सबसे नामी कैसानोवा है, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। इनफैक्ट फ्लाइट में आते हुए मैं उसी के बारे में पढ़ रहा था। ये लो, खुद ही देख। यस प्लीज।